सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा दट किस तरह से हम मॉड्यूल्स का यूज़ कर सकते हैं एंड मल्टीपल फाइल्स में हम अपने कोड को ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर लेट्स सी दैट ट्रस्ट बुक हमारे लिए क्या लेकर आती है दैट हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस मॉड्यूल्स एंड क्रिएट्स एंड एवरीथिंग बेटर सो लेट्स जंप इन टू द वीडियो एंड लेट्स सी दैट हाउ वी कैन यूज़ मॉड्यूल्स टू मेक आर कोड बेटर सो यहाँ पे वी हैव दिस मॉड्यूल चीट शीट ठीक है सो मॉड्यूल चीट शीट को देखते हैं तो वॉट इज दिस मॉड्यूल चीट शीट before we get into details of the modules and paths here we provide a quick reference on how modules paths use keyword and pub keyword works in the compiler and how most of the developers organize their code we'll be going through examples and each of these rules throughout this chapter but it is a great place to refer and reminder as a reminder of how modules work so start from the create root. वेन कंपाइलिंग अ करिएट द कंपाइलर फर्स्ट लुक्स इन द करेट रूट या तो वो हो सकती है एस आर सी स्लास्ट लेब डॉट आर एस फॉर अ लाइब्रेरी क्रिएट या फिर वो हो सकती है एस आर सी मेन डॉट आर एस फॉर अ बाइनरी क्रिएट फॉर अ कोड टू कंपाइल फिर उसके बाद डिक्लेयरिंग मॉड्यूल्स इन द करेट रूट यू कैन डिक्लेयर अ न्यू मॉड्यूल्स से यू डिक्लेयर अ गार्डन मॉड्यूल विद मॉड गार्डन ठीक है साथ साथ इंप्लीमेंट करें साथ साथ इंप्लीमेंट करें बिकॉज आपको और समझ आ ही गया होगा तो एक काम करते हैं लेट्स डू अ सी डी डॉट डॉट सी डी डॉट डॉट क्या करें इसमें हम एक काम करते हैं लेट्स क्रिएट एक काम करते हैं ना जो अभी हमने बनाया था ना माई लेब ठीक है माई लेब बनाते हैं माई लेब एंड इसको हम ना कोड डॉट कर लेते हैं तो इसमें समझते हैं हम दैट वॉट दे आर सिंग तो एक काम करते हैं इसमें ना मुझे लेब नहीं चाहिए तो लेट्स जस्ट डिलीट दी थी मेन ठीक है एंड इसमें ना हम मेन बना लेते हैं मेन डॉट आर एस सिंपल सा एक सटल सा कोड ठीक है एंड अफकोर्स फंक्शन मेन इज़ रिक्वायर्ड सो वॉट दे आर कि यार देखो अगर हम किसी भी कोड में इन दोनों में से देखो इन दोनों फाइल्स के किसी भी कोड में मैं एक बस यहाँ पर एक वर्ड लिख देता हूँ मॉड गार्डन मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ तो अब कंपाइलर बोल रहा है कि भाई या तो मेरे को गार्डन डॉट आर एस वाले चाहिए या फिर मेरे को गार्डन स्लैश मॉड डॉट आर एस वाले चाहिए तो मतलब कि या तो वो कहाँ कहाँ ढूंढेगा कंपाइलर विल लुक द मॉड्यूल्स कोड इन दिस प्लेसेस या तो वो इनलाइन ढूंढेगा कि यहाँ पर कोई कर्ली ब्रेसिज होनी चाहिए कि भाई मॉडल बना मॉड्यूल बना रहे कोई बात नहीं कर्ली ब्रेसिस में मेरे को उसका कोड दो ठीक है या फिर वो ढूंढने का एस आर सी के अंदर गार्डन डॉट आर एस फाइल में या फिर वो ढूंढने का गार्डन स्लैश मॉड डॉट आर एस में तो ये पहली चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए डिक्लेयरिंग सब मॉड्यूल्स इन एनी फाइल और अदर देन क्रिएट रूड यू कैन डिक्लेयर सब मॉड्यूल्स फॉर एग्जाम्पल यू माइट डिक्लेयर अ मॉड वेजिटेबल इन गार्डन आर एस तो मतलब कि लेट्स से हमने डिसाइड किया हम यहाँ पर सिर्फ गार्डन आर एस रखेंगे अब आपको यहाँ पर एक गार्डन डॉट आर एस बनानी पड़ेगी अब इस गार्डन डॉट आर एस के अंदर आपने ना मॉड वेजिटेबल्स की वर्ड डाल दिया ठीक है देखो आपने क्या किया यहाँ पे गार्डन डाल दिया गार्डन के अंदर वेजिटेबल्स डाल दिया मतलब गार्डन के अंदर एक सब मॉड्यूल है वेजिटेबल्स अब ये इस वेजिटेबल्स को कहाँ कहाँ ढूंढेगा नंबर वन या तो इस मॉड्यूल का कोड डायरेक्टली यहीं पर ही हो पहली चीज या फिर गार्डन फोल्डर के अंदर एक वेजिटेबल डॉट आर एस होनी चाहिए अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आपके पास एक फ़ोल्डर होना चाहिए गार्डन का और इस गार्डन के अंदर आपके पास एक फ़ाइल होनी चाहिए वेजिटेबल वेजी टेबल डॉट आर एस डॉट आर एस से फाइल नहीं होनी चाहिए आर एस फाइल होनी चाहिए ठीक है तो देखो वो कोई कंप्लेन नहीं करेगा बिकॉज यू हैव वेजिटेबल्स है इसका नाम तो फाइल नेम शुड बी वेजिटेबल्स सो नाउ यू कैन सी इट इज़ नॉट कंप्लेनिंग या फिर गार्डन के अंदर एक वेजिटेबल नाम का एक फोल्डर बनाओ जिसके अंदर मॉड डॉट आर एस रखो तो ये सारी वो पार्थ्स जहाँ पे वो ढूंढेगा तो देखो मॉड्यूल्स के बेसिकली सब मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स रूल्स बिल्कुल सेम रहते हैं ठीक है अब पाथ्स टू कोड इन मॉड्यूल्स वंस अ मॉड्यूल इज़ अ पार्ट ऑफ योर क्रिएट यू कैन रेफर टू कोड इन दैट मॉड्यूल फ्रॉम एनी वेयर एल्स इन दैट सेम क्रिएट एज लॉन्ग एज द प्राइवेसी रूल्स आर फॉलोड यूजिंग द पाथ टू कोड फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं वेजिटेबल के अंदर एक एस्फारेगस नाम का इनम है ठीक है इसके अंदर ना आपने एक ई बना दिया इसफेरेगस जिसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं ठीक है थीके? तो एक वैल्यू ले लेते हैं वन ओके टाइप ए मुझे नहीं पता कि इसके टाइप्स क्या हो सकते हैं टाइप ए ले लेते ले हैं एक यहाँ पर हम ले लेते ले हैं टाइप बी अब लेट्स दैट आप क्या कह रहे हो कि आपको इस्फेरेगस यूज़ करना है तो पहला तरीका क्या है आप क्या कर सकते हो लेट्स अगर आपके पास यहाँ पर कहीं पे भी आपको यहाँ पे यूज़ करना है बोल सकते हो क्रेट क्रेट के अंदर यू कैन गो इनटू द गार्डन गार्डन के अंदर यू कैन गो इन टू वेजिटेबल्स इसके अंदर से आप फेरेग्स को नहीं एक्सेस कर पा रहे बिकॉज वो पब्लिक नहीं है पब्लिक करो एंड यहाँ पर उसको एक्सेस कर सकते हो आप ठीक है uh, इसको भी पब्लिक करना होगा ठीक है ओके सो okay. so, यहाँ पर एक वार्निंग आ रही है कि यार इसको ना कैमल केस में करो ठीक है इसको कैमल केस में कर लो टाइप ए कर लो एंड इसको ना टाइप बी कर लो ठीक है सो इट जस्ट अ वार्निंग टाइप बी ओके सो ना हो इस इज नेवर यूज दैट्स फाइन तो अब, अब अगर हम इसको यूज करना है हम कैसे यूज कर सकते हैं देखो क्रिएट करियट के अंदर गार्डन में जाओ गार्डन के अंदर वेजिटेबल्स में जाओ एंड एसफेरेगस में जाओ ओनली एंड ओनली अगर एसफेगस पब्लिक होगा प्राइवेट वर्सेस पब्लिक कोड विद इन अ मॉड्यूल इज प्राइवेट फ्रॉम इट्स पेरेंट मॉड्यूल्स बाय डिफॉल्ट टू मेक अप मॉड्यूल पब्लिक डिक्लेयर इट विद पब मॉड इन ऑफ द मॉड टू मेक्स आइटम पब्लिक विद इन अ मॉड्यूल पब्लिक एज वेल यूज पब बिफोर देयर डिक्लेरेशन ठीक है द यूज की वर्ड विद इन ओके यूज़ की क्या करता है विद इन स्कोप द यूज की वर्ड क्रिएट्स अ शॉर्टकट टू द आइटम्स टू रिड्यूस रेपिटेशन ऑफ लॉन्ग पाथ इन एनी स्कोप सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यार इतना बड़ा ये लिखना पड़ रहा है यू कैन यूज कि एक बार यहाँ पे यूज की का यूज कर दो एंड उसके बाद हम बस एस फेरेगर्स को यूज कर सकते हैं हमारे पूरे कोड में सो दिस इज वन थिंग दैट दे आर सेयर वी क्रिएट अ बाइनरी क्रिएट नेम्ड बैक तो यहाँ पे हमने क्या किया एक बैकयार्ड बनाया ठीक है इसका मतलब कार्गोनियो बैकयार्ड दैट दिस रूल तो देखो हाउ दे आर डूइंग सोर्स गार्डन वेजिटेबल डॉट आर एस गार्डन डॉट आर एस मेन डॉट आर एस सेम जो हमने बनाया देखो बिल्कुल सेम है जो हमने बनाया ठीक है फिर द क्रिएट रूट इज मेन डॉट आर एस तो मेन डॉट आर एस में देखो इन्होंने क्या किया इन्होंने बोला कि पहले तो इन्होंने पब मॉट गार्डन लगा दिया यहाँ पे ठीक है सो दैट so ये पर्टिकुलर कोड कंपाइलेबल है फिर हाउ वी आर यूजिंग हम बोल रहे हैं भाई क्रेट से स्टार्ट करो गार्डन में जाओ वेजिटेबल्स बनाओ एंड एसफेरेगस को स्कोप में ले आओ ठीक है सो एस्फेरेगस को स्कोप में लाओ लेकिन यहाँ पर वी हैव टू मेक ऑल दी मॉड्यूल्स पब्लिक ठीक है सो देखो वेजिटेबल्स ना पब्लिक नहीं है तो वेजिटेबल्स जो हम यहाँ पर कर रहे हैं इसको पब्लिक करो ठीक है अब वो बोल रहा है एसफेरेगस पब्लिक नहीं है तो भाई इसको भी पब्लिक कर दो चलो पब्लिक कर दिया नाउ यू कैन सी दैट मैं क्या कर पा रहा हूँ इस एसफेरिगस को हम यहाँ पर यूज़ कर पा रहे हैं टाइप ए टाइप बी ठीक है अगर मैं ये लाइन नहीं लिखता अगर मैं ये लाइन नहीं लिखता तो मुझे यहाँ पर फुल पाथ यहाँ पर यूज़ करना पड़ता विच इज़ वेरी अगली तो मैं क्या कर सकता हूँ मैं इसको बस एक बार ऊपर इंपोर्ट कर लेता हूँ आई मीटो से स्कोप में ले आता हूँ एंड फिर हम इसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं राइट सो टाइप ए एंड इसको हम असाइन कर सकते हैं किसी वेरिएबल को सो so, इस तरह से सो यू कैन सी दैट दिस इज वर्किंग एज परफेक्टली फाइन ठीक है एंड उसके बाद हम क्या करते हैं हेयर पब मॉट वेजिटेबल्स मीन्स ठीक है कोड सोर्स गार्डन वेजिटेबल्स ऑट आर एस इज इंक्लूडेड टू सो दिस कोड हेयर ओके अब हम देखते हैं दैट ग्रुप कैसे कर सकते हैं रिलेटेड कोड को मॉड्यूल्स लेट एस ऑर्गेनाइज अ कोड विद इन अ करेट फॉर रेडेबिलिटी एंड ईजी यूज मॉड्यूल्स अलाउ अस टू कंट्रोल द प्रिवेसी ऑफ द आइटम्स बिकॉज बिकॉज कोड विद इन अ मॉड्यूल इज प्राइवेट बाई डिफॉल्ट Private items are internal implementation details not available outside the use. We can use to we can choose to make modules and the items within its public, which exposes them to allow external code to use and depend on them. As an example, let's write a library crate that provides functionality of a restaurant. a restaurant system will define the signatures of the function but leave their bodies empty to concentrate on organization of the code rather than the implementation. तो एक काम करते हैं इन अ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ठीक है पहले इसको पढ़ लो कि होता क्या है भाई वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं एक होता है फ्रंट ऑफ द हाउस एंड एक होता है बैक ऑफ द हाउस फ्रंट हाउस जहाँ पे कस्टमर्स आते हैं है ना जहाँ पे सीट्स होते हैं जहाँ पे हम उनको बिठाते हैं उनके ऑर्डर्स को हम लेते हैं उनकी पेमेंट्स लेते हैं बार टेंडर्स आते हैं और दूसरा होता है बैक ऑफ द हाउस जहाँ पे शेफ्स एंड कुक्स काम करते हैं किचन में डिश वॉश होते हैं क्लीन अप होता है ऑल त्रेस तो लेट्स डो वन थिंग इसको हम करेंगे बंद बिकॉज हमें मॉड्यूल्स की नॉलेज हो रही है तो सी करते हैं डॉट डॉट and cargo new restaurant hyphen hyphen lib hyphen hyphen lib क्यों लगा रहे हैं because it's a library crate ठीक है ये क्या है library crate है enter करो cd करो restaurant के अंदर and code डॉट बिकॉज हमने यहाँ पे hyphen hyphen lib फ्लैग का यूज़ किया था यू कैन सी हमारे पास एक लिप डॉट आ रहा है जिसके अंदर कुछ कुछ डिफॉल्ट कोड है जिसको आप हटा दो कूल cool. तो अब हम क्या करेंगे देखो लेफ्ट डॉट आर एस के अंदर ना मॉड्यूल्स बनाते हैं तो एक मॉड्यूल बनाते हैं फ्रंट ऑफ हाउस ठीक है एक मैंने मॉड्यूल बनाया फ्रंट ऑफ द हाउस इसके अंदर फिर हम क्या करेंगे एक मॉड्यूल बनाएंगे होस्टिंग ठीक है ये क्या है सब मॉड्यूल होस्टिंग फिर हम फिर से एक मॉड्यूल बनाएंगे सर्विंग ठीक है तो हम क्या कर रहे हैं मल्टीपल मॉड्यूल्स बना रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द हाउस होस्टिंग के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है ऐड टू वेट लिस्ट हमारे पास एक फंक्शन है सीट एट द टेबल ठीक है ये हमारा होस्टिंग के पार्ट्स है फिर हमारे पास सर्विंग में क्या है टेक ऑर्डर देखो सर्विंग में क्या क्या कर सकते हैं हम ऑर्डर ले सकते हैं हम ऑर्डर को सर्व कर सकते हैं ठीक है ऑर्डर को हम सर्व कर सकते हैं एंड ऑर्डर को वी कैन जस्ट टेक द पेमेंट तो अब अगर मैं यहाँ पर कार्गो वो कौन सी कमांड थी मॉड्यूल्स करता हूँ तो यू कैन सी हमारे पास एक क्रिएटर रेस्टोरेंट बिकॉज इसका नाम है रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट के अंदर हमारे पास एक मॉड्यूल है फ्रंट ऑफ द हाउस जिसके अंदर एक मॉड्यूल है होस्टिंग एक मॉड्यूल है सर्विंग इसके अंदर हमारे पास दो फंक्शन के अंदर हमारे पास तीन फंक्शन है तो इसको आप एक बार रीड कर सकते हो ठीक है बहुत बढ़िया अब हम क्या करेंगे वी डिफाइन अ मॉड्यूल मॉड की से हमने एक मॉड्यूल डिफाइन किया हमने फ्रंट ऑफ द हाउस बनाया इसके अंदर बॉडी के अंदर हमने कर्ली ब्रेसिस में ही कोड डाल दिया तो हमें कोई एक्सटर्नल फाइल बनाने की जरूरत नहीं है वी कैन प्लेस अदर मॉड्यूल्स तो यहाँ पे हमने दो और मॉड्यूल्स बनाए सब मॉड्यूल्स बनाए होस्टिंग एंड सर्विंग मॉड्यूल्स कैन ऑल्सो होल्ड डेफिनेशन फ्रॉम अदर आइटम्स जैसे कि इसमें स्ट्रक्ट हो सकते हैं ई नम हो सकते हैं कॉन्सेंट्स हो सकते हैं कुछ भी हो सकते हैं तो हमने यहाँ पर क्या किया फंक्शन लिख दिए मॉड्यूल के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो बाई यूजिंग मॉड्यूल्स वी कैन ग्रुप रिलेटेड डेफिनेशन ठीक है इसका फायदा क्या हुआ देखो ये सारे अब रिलेटेड फंक्शनलिटीज़ है सर्विंग की ये रिलेटेड फंक्शनलिटीज है होस्टिंग की ठीक है तो हमने ये चीज़ यहाँ पर की है अर्लियर वी मैंशन दैट एस आर सी मेन डॉट आर एस एंड लेफ्ट डॉट आर एस आर कॉल्ड क्रिएट रूट्स द रीजन फॉर देयर नेम इज़ दैट द कॉन्टेंट ऑफ ईदर

ये दोनों क्या है सिबलिंग्स हैं राइट तो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड कि ट्री स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल सा ट्री स्ट्रक्चर दैट इफ़ मॉड्यूल ए इज़ कंटेंड इन साइड मॉडल बी वी कैन से दैट मॉड्यूल ए इज़ अ चाइल्ड ऑफ मॉड्यूल बी एंड दैट मॉड्यूल बी इज द पेरेंट ऑफ मॉड्यूल ए नोटिस दैट एंटायर मॉड्यूल ट्री इज रूटेड अंडर एन इम्प्लीसिड मॉड्यूल नेम करेट ये सब कहाँ रूटेड है करेट के अंदर ठीक है तो इसका जो रूट नेम है इसका जो पूरा ऊपर रूट नेम है वो है करेट ओके ठीक है सिंपल है द मॉड्यूल ट्री माइट रिमाइंड यू फ्रॉम द फाइल सिस्टम ऑफ द ट्री ऑफ द कंप्यूटर दिस इज़ वेरी एप्ट कंपेरिजन जस्ट लाइक द डायरेक्टरीज इन द फाइल सिस्टम यू कैन यूज मॉड्यूल्स टू ऑर्गेनाइज योर कोड एंड जस्ट लाइक फाइल्स इन डायरेक्टरी वी कैन फाइंड इट तो देखो जैसे आपका फाइल सिस्टम होता है आपके पास फोल्डर्स होते हैं फाइल्स होते हैं फोल्डर के अंदर फाइल्स होते हैं तो सिमिलर टू दिस ये वही सेम ट्री है जिसको आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो ठीक है ओके मॉड्यूल ट्रीज के बारे में हमें पता लग गया नाउ लेट सी दैट पाथ्स रेफरिंग टू एन आइटम टू शो रस्ट वेयर टू फाइंड एन आइटम इन द दॉल ट्री वी यूज पाथ इन द सेम वे यूज यूज पाथ वेन नेविगेटिंग अ फाइल सिस्टम तो टू कॉल अ फंक्शन वी नीड टू नो इट्स पाथ अगर आपको इस फंक्शन को कॉल करना है आपको इसका पाथ पता होना चाहिए कि भाई ये फ्रंट हाउस के अंदर होस्टिंग के अंदर एग्जिस्ट करता है सो पाथ कैन टेक टू फॉर्म्स एक होता है एप्सल्यूट पाथ एक होता है रिलेटिव पाथ एप्सल्यूट मतलब करेट से स्टार्ट करो और उसको ढूंढो मतलब कि अगर हम यहाँ पे फिर से कार्गो ट्री करते हैं इसका एप्सल्यूट पाथ क्या होगा भाई क्रेट क्रेट के अंदर जाओ फ्रंट ऑफ द हाउस उसके अंदर जाओ होस्टिंग और उसके अंदर जाओ यहाँ से एप्सोल्यूट मतलब शुरू से शुरू करो ठीक है एप्सोल्यूट पाथ दूसरा होता है रिलेटिव पाथ जो करंट से यूज़ करता है इसका क्या मतलब लेट से टेक ऑर्डर जो है ना वो ना सीट भी करेगा लेट से इस फंक्शन को इस फंक्शन को एक्सेस करना है अगर तो इस फंक्शन में हमें इस फंक्शन को कॉल करना है पहला तरीका क्या है देखो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ भाई करेट से स्टार्ट करो करेट के अंदर ना एक काम करो फ्रंट ऑफ द हाउस में जाओ उसके अंदर तुम जाओ होस्टिंग के अंदर और यहाँ से ना तुम एक काम करो अगर ये पब्लिक है फंक्शन ओनली देन अगर ये फंक्शन पब्लिक है तो भाई इसके अंदर ना इस फंक्शन को कॉल कर दो ये तो वो एप्सल्यूट पाथ शुरू से शुरू या फिर मैं बोल सकता हूँ कि भाई मैं यहाँ पे हूँ ना पहले यहाँ से एक कदम ऊपर जाओ ठीक है मैं मैं अपने से मैं अपने से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं खुद से स्टार्ट कर रहा हूँ एक कदम ऊपर जाने के बाद भाई तुम होस्टिंग में दो और वहाँ से एक कॉल कर दो तो ये है हमारा रिलेटिव पाथ एप्सल्यूट रिलेटिव ठीक है रिलेटिव मतलब मेरे से होता हुआ जाएगा रिलेशन मेरे से रिलेटेड है वो एप्सल्यूट मतलब शुरू से शुरू अ रिलेटिव पाथ स्टार्ट फ्रॉम द करंट मॉड्यूल एंड यूज सेल्फ सुपर और आइडेंटिफायर फ्रॉम द करंट मॉड्यूल बोथ एप्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ आर फॉलोड बाई वन ऑफ मोर आइडेंटिफायर सेपरेटेड बाई डबल कोल चलो ये चीज़ भी हमें समझ आ गई तो यहाँ पर देखो ये क्या कर रहे हैं ईट एट द रेस्टोरेंट के अंदर ये क्या कर रहे हैं इसको इम्पोर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं ठीक है थीके? तो वैसे ये है एप्सल्यूट पाथ ठीक है ये है रिलेटिव पाथ ऐसे ठीक है तो ये आप पढ़ सकते हो लेकिन प्रॉब्लम ये कोड कंपाइल नहीं होगा बिकॉज ये पब्लिक नहीं है दैट इज द रीज़न ओके सो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर नीचे चलते हैं ठीक है ये सब आप स्किप कर सकते हो तो यू कैन सी दैट ये एक प्राइवेट मॉड्यूल है इसलिए हम उसको इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे देखो हाँ यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है देखो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ क्रेट भाई करेट के अंदर से जाओ होस्टिंग में ठीक है होस्ट तो और सॉरी फ्रंट ऑफ द हाउस में इसमें तुम जाओ होस्टिंग के अंदर और इसमें तुम जाओ कहाँ पर देखो मैं यहाँ पर इसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहा ठीक है मैं इसको यहाँ पर एक्सेस ही नहीं कर पा रहा क्यों देखो और दूसरा तरीका क्या था कि हम यहाँ पर सीधा बोल सकते हैं फ़्रंट ऑफ द हाउस सॉरी दूसरा तरीका क्या था दे आर सेंग कि भाई फ़्रंट ऑफ द हाउस से शुरू करो ठीक है तो अब इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक चीज़ करूंगा मैं ना बाहर देखो इस मॉड्यूल के बाहर ना एक फंक्शन बनाऊंगा ईट एट रेस्टोरेंट ओके तो यहाँ पर ना हम क्या करेंगे देखो मुझे ना इस फंक्शन को कॉल करना है मुझे ना इस एड टू वेटलेस फंक्शन को कॉल करना है मैं कैसे कॉल कर सकता हूँ मेरे पास दो तरीके हैं एप कैसे कॉल करूँगा भाई मैं बोलूंगा भाई क्रिएट से स्टार्ट हो जाओ एंड यहाँ पर ना तुम क्या करो यहाँ पर तुम देखो वो कहीं जा ही नहीं पा रहा ये खुद के फंक्शन को कॉल कर रहा है तुम देख रहे हो दैट इ क्रिएट से स्टार्ट हुआ वो कहीं पे भी जा ही नहीं पा रहा क्यों जब आप क्रिएट लेवल से स्टार्ट कर रहे हो ना ये ना प्राइवेट है जब आप क्रिएट लेवल से स्टार्ट कर रहे हो ना ये ना प्राइवेट है अगर मैं इसको पब्लिक करता हूँ तो नाउ यू विल सी दैट यहाँ पर वो आना स्टार्ट हो जाएगा जैसे मैंने इसको पब्लिक किया फ्रंट ऑफ द हाउस आना स्टार्ट हो जाएगा लेकिन अब इसके अंदर फिर से जो दो मॉड्यूल्स हैं वो फिर प्राइवेट हैं यू कैन सी यार ये फिर प्राइवेट है ये फिर प्राइवेट है तो क्रेट से ना हर चीज़ प्राइवेट है लेकिन अगर मैं यहाँ से ही शुरू करूँ बिकॉज यहाँ पर यह सिबलिंग हैं मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ सीधा फ्रंट ऑफ द हाउस ठीक है सीधा जाओ ठीक है अब यहाँ पे मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ ठीक है तो इसका क्या मतलब है कि रिलेटिव पाथ फ्रंट ऑफ द हाउस को एक्सेस कर सकता है बट क्रेट से नहीं बिकॉज हम उसको रूट से स्टार्ट कर रहे हैं तो बिकॉज uh, ये दोनों सेम लेवल के ऊपर है तब तो देखो लेट से अगर ये पब्लिक नहीं भी है अगर ये पब्लिक नहीं भी है फिर भी मैं यहाँ पर फ़्रंट ऑफ द हाउस को कॉल कर सकता हूँ तो अभी के लिए जूम करते हैं ये प्राइवेट है लेकिन ये चीज़ पब्लिक है और ये ये वाला जो सीट आता टेबल फंक्शन है ये भी पब्लिक है और ये वाला भी पब्लिक है नाउ सी रिलेटिव बात भाई यहाँ से शुरू हो जाओ होस्टिंग में जाओ होस्टिंग के अंदर आर टू वेट लिस्ट को कॉल कर दो ठीक है मैं कर पा रहा हूँ कोई एरर ही नहीं है लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्रेट लेवल से स्टार्ट करता क्रेट लेवल से मैं यहाँ पे फ्रंट ऑफ द हाउस होस्टिंग सो so, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया अब मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ इन चीज़ों को देखो बहुत सिंपल है एब्सोल्यूट पाथ रिलेटिव पाथ एब्सोल्यूट पाथ क्रिएट से स्टार्ट हो जाओ भाई जाओ फ्रंट ऑफ द हाउस के अंदर इसके अंदर तुम जाओ कहीं पे भी नहीं जा सकते बिकॉज मॉड्यूल हमारा प्राइवेट है पब्लिक कर लो ठीक है एंड इसको भी पब्लिक कर लो ठीक है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई इसके अंदर जाओ तुम होस्टिंग के अंदर होस्टिंग के अंदर जाओ आर टू वेटलेस ये है हमारा एब्सोल्यूट पाथ रिलेटिव पाथ भाई मेरे सिबलिंग में जाओ बिकॉज हम दोनों सेम लेवल पर होस्टिंग में जाओ होस्टिंग के अंदर इसको कॉल कर दो दोनों की आउटपुट बिल्कुल सेम आएगी सिर्फ इसमें फ़र्क है हम क्रेट लेवल से स्टार्ट करें इसमें हम यहाँ पे फ्रंट ऑफ द हाउस से स्टार्ट करें बिकॉज ये ईट और एट द रेस्टोरेंट एंड ये फ्रंट ऑफ द हाउस सेम लेवल के ऊपर है सो so, नहीं यकीन करके देखो देखो यहाँ पर क्या ये वाला जो फंक्शन है ना ईट एट रेस्टोरेंट ये और ये दोनों देखो सिब्लिंग्स हैं तो यहाँ पर मैंने इसमें डायरेक्टली इसको कॉल कर लिया लेकिन पहला तरीका क्या कर रहा है यहाँ पर ये यह जो पहला भी है ये इसको ना करेट से स्टार्ट कर रहा है भाई करेट से यहाँ पर आओ ये क्या कर रहा है डायरेक्टली इसको कॉल कर रहा है एब्सोल्यूट रिलेटिव पाथ ठीक है सो चूजिंग वेदर टू यूज़ रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ इज़ अ डिसीजन दैट यू विल मेक ठीक है इसके भी कुछ होते हैं रूल्स होते हैं कब कौन सा डिसीजन मतलब क्या फ़ायदेमंद रहता है उसको बाद में डिस्कस करेंगे बट ठीक है मैसेज मेसेज दैट होस्टिंग इज प्राइवेट तो यार ये मतलब प्राइवेट एंड पब्लिक में ही है तो ये हमने डिस्कस कर लिया है ठीक है items in parent modules can't use private items inside the child modules but items in the child modules can use items in their ancestor modules this is because child module wraps and hides their implementation details but the child modules can see context in which they are defined to continue with this metaphor think of privacy rules as being back to the office of the restaurant what goes on, there is private to the restaurant customers, but office managers can see and do everything in the restaurant they operate. Okay, Rust choose to have this module uh, system function uh, this way to hide inner implementation details. It's uh, in the default. That way, you know which parts of the inner code you can change without breaking outer code. However, Rust does give you an option to expose inner parts of the child module's code uh, to the outer instances by using the pub keyword and make them public. चलो तो ये वाला पार्ट तो हो गया डन ठीक है नेक्स्ट देखते हैं क्या एक्सपोजिंग पास विद पब की वर्ड लेट्स ई टर्न टू द एरर तो यहाँ पर क्या होस्टिंग मॉड्यूल इज़ प्राइवेट तो यहाँ पे होस्टिंग मॉड्यूल्स प्राइवेट था तो इन्होंने पब की वर्ड लगाएंगे तो वो प्राइवेट पब्लिक हो जाएगा ठीक so, है सो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे यू कैन रीड दस ए पब्लिक या नाउ यू कैन एक्चुअली रन दिस ऑल्सो नाउ यू कैन एक्चुअली रन दिस ऑल्सो ठीक है एप्स बात रिलेटिव बात ठीक है तो यहाँ तक हमें पता लग रहा है कि कैसे मॉड्यूल सिस्टम काम कर रहा है एंड वन मोर चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या करना चाहिए ये क्या पता क्या कह रहे हैं कि आपके पास ना एक कोड में ना एक मेन आर एस भी होना चाहिए एक लाइब्रेरी आर एस बी होना चाहिए आपको अपना सारा कोड ना जो लॉजिकल कोड है वो आपको कहाँ रखना चाहिए आपको वो सारा लेफ्ट डॉट आर एस में रखना चाहिए एंड मेन डॉट आर आएस को आपके लेफ्ट डॉट आर एस को यूज करना चाहिए जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था क्रीडेंशियल वाली और सर्विस वाली एग्जाम्पल में तो वॉट डे दिंग इज वी मैंशन दैट पैकेज कैन कंटेन बोथ बाइनरी एंड लाइब्रेरी क्रिएट एंड बोथ क्रिएट हैव देर पैकेज नेम्स

lib.rs, then any public items can be used in the binary crate by the starting paths with the name of the package. The binary crate becomes a user of the library crate, just like complete and external crate would use the library crate, it can only use the public APIs that can help you design good API. Not only you are the author, but you are also the client. Okay. So this is what they are saying. सो स्ट्रिंग रिलेटिव पाथ विथ सुपर तो यहाँ पे सुपर की वर्ड का वो मीनिंग बताया दैट सुपर का मतलब क्या होता है कि सुपर का मतलब होता है एक लेवल ऊपर तो मतलब देखो अगर आपको ये डिलीवर ऑर्डर को कॉल करना है तो सुपर मतलब एक लेवल ऊपर जाओ और इस फंक्शन को कॉल करो तो सुपर की वर्ड से आप एक लेवल ऊपर जा सकते हो अगर आपने इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा होगा किसी भी लैंग्वेज में यू नो सुपर कैसे एक लेवल ऊपर वाली क्लास में जाता था राइट right? ठीक uh, है तो आप इस चीज़ को रीड कर सकते हो मेकिंग स्ट्रक्ट्स एंड ई पब्लिक तो सिमिलरली अगर आपके पास किसी मॉड्यूल में स्ट्रक्ट्स या ई है उसको भी आपको पब्लिक करना होगा मैं ये सारी चीज़ें थोड़ा सा लाइक जल्दी क्यों कर रहा हूँ नंबर वन चीज़ बिकॉज हम ये चाहे चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं पिछले एग्जाम्प में सेकेंड एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है अगर आपको स्ट्रक्ट बना रहे हो उसकी सारी फील्ड्स भी प्राइवेट होंगी आपको उसको पब्लिक खुद करना पड़ेगा सिमिलरली अगर आप उसकी कोई इंप्लीमेंटेशन ब्लॉक बना रहे तो उसके सारे फंक्शन भी बाई डिफॉल्ट प्राइवेट होंगे आपको उसको पब्लिक करना होगा लेकिन अगर आपके पास कोई नम e e के सारे वेरियंट्स बाई डिफॉल्ट पब्लिक होंगे ठीक है सो दिस इज़ वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड पर एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है मैं आपको दिखाता हूं क्या इन्होंने क्या किया देखो पर एक मॉड्यूल बनाते हैं बैक ऑफ हाउस फ्रंट ऑफ हाउस बैक ऑफ हाउस बैक ऑफ हाउस के अंदर ना दे हैव अ स्ट्रक्ट ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट को पब्लिक कर दिया एंड सिर्फ टोस्ट को पब्लिक किया इसको नहीं पब्लिक किया उसका मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ जब भी हम इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉग बनाएंगे ठीक है एक इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉग बनाते हैं इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉग के अंदर हमने क्या किया इस ब्रेकफास्ट को हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं टोस्ट की वैल्यू तो हम लेंगे यूजर से लेकिन सीजनल फ्रूट हम खुद डाल देंगे इसका मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ ठीक है अगर अब हम इसको अब अगर हम इसको यूज़ करने का ट्राई करते हैं तो हम इसको यूज़ कैसे करेंगे देखो मैं यहाँ पे कैसे इसको यूज़ करूँगा मैं बोलूँगा भाई क्रिएट मुझे ना एक ब्रेकफास्ट बनाना है सो लेट ब्रेकफास्ट इक्वल्स बैक ऑफ द हाउस में जाओ इसके अंदर ना मेरे लिए एक ब्रेकफास्ट बनाने का ट्राई करो लेकिन मैं टोस्ट की वैल्यू तो दे सकता हूँ कि भाई मेरे को एक टोस्ट खाना है सो स्ट्रिंग हाई कोलन कोलन फ्रॉम एंड टोस्ट की हमने वैल्यू दे दी लेट से टोस्ट बनाओ एक वीट से ठीक है लेकिन लेकिन मैं यहाँ पर कभी भी ये वाली वैल्यू दे पाऊँगा सीजनल फ्रूट की वैल्यू नहीं दे पाऊंगा तो दैट मीन्स मैं कभी भी ब्रेकफास्ट को ख़ुद ब खुद कंस्ट्रक्ट खुद, खुद ब खुद बना ही नहीं सकता मुझे क्या करना पड़ेगा इफ़ यू रिमेंबर हमने यहाँ पर एक समर नाम का एक फंक्शन एक्सपोर्ट किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा अगर इस ब्रेकफास्ट का मुझे इंस्टेंस चाहिए मुझे यहाँ पर समर फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा सो सॉरी ब्रेकफास्ट कोलन कोलन समर जिसके अंदर आई कैन जस्ट पास एक टोस्ट ठीक है मैं यहाँ पे बीट को पास कर दूँ बीट एंड नाउ यू कैन सी दैट दिस विल एक्चुअली क्रिएट एन इंस्टेंस फॉर मी तो एक फील्ड को प्राइवेट रखने से हम उसका जो इंस्टेंस है वो मैनुअली क्रिएट नहीं कर सकते हमें इस फंक्शन का यूज करना पड़ेगा ठीक है so, सो uh, यहाँ पर वॉट दे आर सेंग दैट Because the toast field in the back of the house string is public, the eat restaurant we can write read toast field using the dot notation. Notice we can't use the seasonal fruit field in the eat restaurant because seasonal fruit is private. Try implementing the line modifying the seasonal fruit private value to see what error you get. Also, note that because breakfast has a private field, the struct needs to provide a public associated function. दैट कंस्ट्रक्स द इंस्टेंस ठीक है तो हमने इसका नाम दिया समर हेयर इफ स ब्रेकफास्ट डिडंट हैव सच फंक्शन वी कूडेंट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ ब्रेकफास्ट इन ईट रेस्टोरेंट बिकॉज वी कूड सेट दी वैल्यू ऑफ प्राइवेट सीजनल फील्ड इन ईट रेस्टोरेंट जस्ट वन सेकेंड ठीक है नीचे चलते हैं सो इन कॉन्ट्रास्ट इफ यू मेक एन ई पब्लिक ऑल द वेरियंट आर पब्लिक लेकिन अगर आप किसी एक एपरटाइजर वॉट यू कॉल ई को पब्लिक करोगे एवरीथिंग विल बी पब्लिक इसमें हर वेरिएंट को पब्लिक करने की जरूरत नहीं है ठीक है सो दिस इज़ वन थिंग सो ये हुआ हमारा कवर पब्लिक प्राइवेट का भी एंड किस तरह से स्ट्रॉक्ट्स को हम आ, कर सकते हैं ओके ब्रिंकिंग पाथ इंटू स्कोप यूजिंग द यूज की वर्ड तो यार ये भी हमने लास्ट एग्जाम्पल uh, में देखा था ना दैट किस तरह से हम उसको स्कोप में लेकर आ सकते हैं वी केन डायरेक्टली यूज इट तो यार ये भी हमने लास्ट पर्टिकुलर चैप्टर में दिखा था तो so, यहाँ पे ना कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं तो दर सिंग दैट दिस कोड वॉन्ट कंपाइल क्यों देखो इन्होंने क्या क्या एक मॉड्यूल बनाया फ्रंट ऑफ द हाउस पब मॉल होस्टिंग पब फंक्शन दस इन्होंने बोला यूज क्रिएट से स्टार्ट करो एप्सिल्यूट पाथ फ्रंट ऑफ दा हाउस होस्टिंग एंड देन देर थिंग मॉड कस्टमर पब फंक्शन ईटा रेस्टोरेंट होस्टिंग के अंदर इस फंक्शन को कॉल कर दिया दी कंपाइलर एक एरर दे रहा है कि भाई वो बोल रहा है कि यूज़ ऑफ सो वेयर इज द एरर कहाँ पर है ठीक है अब यहाँ पर एक चीज़ देखता था अटूज की वर्ड कैसे काम करता है वैसे हमने लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल में देखा था ठीक हैविंग टू राइट ऑल द पाथ टू कॉल द फंक्शन फील इनकनवीनियंट एंड रेपिटेटिव ठीक है वेदर टू चूज़ आपसे रूटर्न पाथ है रिलेटिव पाथ भी हमने यहाँ पर देख लिया तो यहाँ पर हम एक यूज की वर्ड का देखते हैं वी ब्रिंग क्रिएट फ्रंट ऑफ द हाउट होस्टिंग मॉड्यूल इन टू द स्कोप ऑफ द ईट रेस्टोरेंट फंक्शन सो वी हैव टू स्पेसिफाई ओनली दिस थिंग टू कॉल द फंक्शन तो देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया यूज की वर्ड का यूज किया क्रिएट से इसका होस्टिंग फंक्शन स्कोप में लाओ एंड इसको यूज कर लो एडिंग यूज एंड पाथ इन टू स्कोप इज सिमिलर टू क्रिएटिंग अ सिम्बॉलिक लिंक इन द फाइल सिस्टम बाई एडिंग यूज दिस थिंग इन द क्रिएट रूट होस्टिंग इज नाउ वैलिड नेम इन दैट स्कोप Just as the hosting module has been defined in the crate root, paths brought into the scope with `use` also check privacy like any other thing. Note that `use` only creates the shortcut for the particular scope in which the `use` occurs. इसका क्या मतलब? देखो, देखो अगर मुझे इस चीज को `use` करना है, तो मैं ना एक काम करता हूँ यहाँ पर एक `use` कीवर्ड लगाता हूँ और मैं इसको `use` कर लेता हूँ। अब मैं क्या कर पाऊँगा? मैं डायरेक्टली यहाँ पर ब्रेकफास्ट को `use` कर पाऊँगा। कंपाइल्स फाइन बहुत बढ़िया अब एक चीज़ का ध्यान देना अगर देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम स्कोप में तो मैं इसको यूज़ कर पा रहा हूँ लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक मॉड्यूल बनाता हूँ ठीक है मॉड्यूल बनाते हैं सैम्पल ठीक है कुछ भी एक नाम दे देते हैं एंड इसको हम इसके अंदर शिफ्ट कर देते हैं नाउ यू कैन सी हम इसको ब्रेकफास्ट को यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज वो आउटर स्कोप के लिए यूज़ था तो इसको भी हमें इनर स्कोप में यूज़ करना पड़ेगा टू यूज़ दिस बट अब प्रॉब्लम क्या है कि भाई ये यह यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता बैक ऑफ द हाउस यहाँ पे ऐसे यूज नहीं हो पाएगा ठीक है या तो आप यहां पे सुपर का यूज़ करोगे है ना या फिर आप यहाँ पे क्रिएट से स्टार्ट करोगे बिकॉज अब आप एक नेस्टेड मॉड्यूल के अंदर हो तो जो यूज की वर्ड है वो करंट स्कोप की चीज़ों को स्कोप में लेकर आता है करंट स्कोप में काम करता है इेस्टेड स्कोप में काम नहीं करता है ठीक है तो देखो यहाँ पे इन्होंने एक मॉड्यूल कस्टमर बनाया एंड इसके अंदर इस फंक्शन को जब यूज़ करने का ट्राई किया वो नहीं कर सकते कोल्ड कंपाइल ही नहीं होगा नाइस nice. अच्छे हैं यार ये फीचर्स ना काफ़ी सही है मतलब रिस्ट्रिक्टिव फीचर्स आर ऑलवेज गुड यू नो सो दिस इज़ फाइन सो क्रिएट क्रिएटिंग आटोमेटिक यूज़ पास सो यूज़ यू माइट हैव वंडर्ड डट वाई वी स्पेसिफाइड यूज क्रिएट दिस थिंग एंड देन कॉल दिस थिंग इन ईट रेस्टोरेंट रादर देन स्पेसिफाइंग यूज पास ऑल द वे टू आर टू फंक्शन तो इसका क्या मतलब है देखो वॉट दे आर इज सिंग एस कि हम ऐसा भी तो कर सकते थे ना यूज़ वाट डे आर सिंग मैं ये भी तो कर सकता ब्रेकफास्ट के अंदर से काम करो समर फंक्शन को भी ले आओ ठीक है तो वट आई कुड डू इज कि मैं बोल सकता था कि लेट से दैट आर टू वेट लिस्ट को ले आते हैं ठीक है इसको यूज नहीं करते सो so मैं ऐसा भी कह सकता था, था ना कि एक काम करो बैक फ्रंट ऑफ द हाउस में जाओ इसमें होस्टिंग में जाओ आर टू वेट लिस्ट को फंग लो और मैं यहाँ पर आर टू वेट लिस्ट को कॉल कर लूंगा दिस इज अ वैलिड थिंग पूरे की पूरी चीज को स्कोप में लाओ और यूज़ कर लो इसको हटा दो ठीक है बिकॉज हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं लेकिन वॉट दे आर ए सेंग एज यहाँ पर प्रॉब्लम पता है क्या है यहां पर क्या है ऑल दो दिस एकम्पलिश द सेम टास्क दिस्टिंग सेवन इलेवन ठीक है इज द इडियोमेटिक वे ऑफ ब्रिंगिंग द फंक्शन टू स्कोप यूज ब्रिंग फंक्शन पेरेंट मॉड्यूल द स्कोप विद द यूज मीन्स यू हैव टू स्पेसिफाई द पेरेंट मॉड्यूल वैंड कॉलिंग द फंक्शन स्पेसिफाइंग द पेरेंट मॉड्यूल वैंड कॉलिंग द फंक्शन मेक्स इट मोर क्लियर दैट फंक्शन इज एंड लोकली डिफाइंड तो वो कह रहे हैं इस तरह से करने से अच्छा है, इसको सिर्फ पेरेंट मॉड्यूल को लेकर आओ और होस्टिंग के ऊपर खुद इस फंक्शन को कॉल करो इससे क्या हो रहा है ना मोर क्लियर है कि भाई ये जो फंक्शन है कोई लोकल फंक्शन नहीं है हम होस्टिंग के अंदर यूज कर रहे हैं काइंड ऑफ मेक्स इट मूड लेगी होस्टिंग मॉड्यूल के अंदर से इस फंक्शन को कॉल करो डायरेक्ट कॉल मत करो सो दैट थिंग्स आर मोर ऑब्वियस ठीक है तो दिस इज़ वॉट दे आर सिंग सिमिलरली देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं ऑन द अदर हैंड वेन ब्रिंगिंग स्ट्रक्ट्स ईनम्स एंड अदर आइटम्स ठीक है उसमें आप डायरेक्टली फुल पाथ स्पेसिफाई यूज करने के लिए आप इस तरह से कर सकते हो सो वॉट डे आई थिंक इट्स एडियोमेटिक टू स्पेसिफाई द फुल पाथ तो मतलब कि अगर आप कोई फंक्शन को, को लेकर आ रहे हो तो उस पर्टिकुलर केस में मेक श्योर sure कि आप उसके सिर्फ पेरेंट मॉड्यूल तक इंपोर्ट कर रहे मॉड्यूल का नेम के साथ फंक्शन को कॉल करो गुड वे है ठीक है कोई रूल नहीं है गुड वे है लेकिन अगर आप कोई स्ट्रक्ट ई को, को यूज़ कर रहे हो तो पूरा का पूरा पाथ स्पेसिफाई कर दो तो। ठीक है

इस तरह से यूज़ करने में क्या है ना हम हमें पता है कि यार ये रिज़ल्ट एफ से आ रहा है और ये रिजल्ट आयोज से आ रहा है अगर मैं दोनों में रिजल्ट को एंड तक इंपोर्ट कर लेता तो ये कन्फ्लिक्ट करता ये नेम कन्फ्लिक्ट करते कि भाई रिजल्ट दो बार आप कर रहे हो तो एज यू कैन सी पेरेंट मॉडल डिस्टिंगशेज द टू रिजल्ट टाइप सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग लाइक दिस ओके हम एक और चीज़ कर सकते हैं सो लेट से इसी एग्ज़ाम्पल को कॉपी कर लेते हैं ठीक है भाई लेट से अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो नंबर वन चीज़ क्या है यहाँ पर यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है हाँ ठीक है बिकॉज हम यहाँ पर रिटर्न नहीं ना कर रहे रहा है तो एक काम करते हैं यहाँ पर एक आयो रिजल्ट एक काम करते हैं इसको हम सिंपल एग्जाम्पल को पहले रीड करते हैं ठीक है सो so, देखो वाट इज़ हैपनिंग एक न्यू फाइल बना लेते हैं बिकॉज एरर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो पहला चीज़ क्या है अगर मैं इस तरह से करूँगा ये एरर करेगा पता क्यों एरर क्यों कर रहा है बिकॉज ये ना कन्फ्यूज़ होगा दैट भाई ये ये भी रिज़ल्ट है ये भी रिज़ल्ट है ये भी रिजल्ट है ये भी रिज़ल्ट है आप काइंड ऑफ रीडिक्लेयर कर रहे हो तो आप क्या करो आप यहाँ पर ना सिर्फ एफ़ एम टी तक ही इम्पोर्ट करो यहाँ पर आप सिर्फ आयो तक ही इम्पोर्ट करो एंड इसको ना ऐसे यूज़ कर लो एफ़ एम टी के अंदर का रिजल्ट यूज़ कर लो और आयो के अंदर का रिजल्ट यूज़ कर लो डिस्टिंग्विश हो गया या फिर अगर आपको ऐसा नहीं करना ठीक है आप दो बार रिज़ल्ट तो नहीं लेकर आ सकते आप मैं इसको एस करके कुछ और नाम दे दो मैं इसको नाम देता हूँ आयो रिज़ल्ट कुछ भी नाम दे दो ठीक है आयो रिज़ल्ट तो अब जब मैं आयो रिज़ल्ट का यूज़ करूँगा तो दिस मीन्स आयो रिज़ल्ट है और ये रिजल्ट है सो दिस इज़ वॉट दे आर डूइंग डूइंगर ठीक है एज की का यूज़ करके हम ना उसको कुछ और लोकल नेम दे सकते हैं इसको एलियस कहते हैं ठीक है और एक लोकल नेम दे सकते हैं नाइस सो री एक्सपोर्टिंग द नेम्स तो आप उसको रीएक्सपोर्ट भी कर सकते हो यूजिंग द पब ठीक है तो वेन ब्रिंगिंग नेम इन टू द स्कोप विद द यूज की वर्ड द नेम इज़ अवेलेबल इन द न्यू स्कोप इज प्राइवेट टू इनेबल द कोड टू कॉल आर कोड टू रेफर दैट नेम इफ इट हैज बीन डिफाइंड इन द कोड स्कोप वी कैन कंबाइन पब यूज दिस टेक्निक इज नोन एज री एक्सपोर्टिंग बिकॉज वी आर ब्रिंगिंग एन आइटम टू द स्कोप बट ऑल्सो मेकिंग आइटम्स अवेलेबल टू दू अदर्स टू ब्रिंग इन टू द स्कोप एग्जाम्पल आपके पास ये यह, है आपने यहाँ पर ना पब कीवर्ड लगा दिया पब यूज दिस थिंग जैसे आप पब कीवर्ड यूज करोगे अब ये अब क्या है अब इसको बाहर भी यूज़ कर सकते हो सो बिफोर दिस चेंज एक्सटर्नल कोड वुड हैव टू कॉल एड टू वेट लिस्ट फंक्शन बायजिंग द पाथ दिस विच

Running the restaurant, think about front and back, but the customers visiting the restaurant uh, probably won't think about the parts of the restaurant. With pub use, we can write the code in just one structure and expose different structures. Doing so makes our library well organized for the programmers working on the library and the programmers calling the library. Uh, we'll look at the exa another example using the pub use, how it affects. So, chapter number 14 may be used. And for example, same example: athi, external packages. तो ये ये हमने चैप्टर नंबर टू में देखा था दैट किस तरह से कार्गो में हम डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हैं हम उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं हम उसको यूज़ कर सकते हैं सो यू कैन नाउ यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि यूज़ की वर्ड करता क्या है ठीक है ये यूज़ की वर्ड करता क्या देन जो लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का दैट इज़ सेपरेटिंग मॉडल्स इन डिफरेंट फाइल्स क्या ये आप ख़ुद कर सकते हो बिकॉज हमने वो ऑथ सर्विस वाली एग्जाम्पल डिस्कस की थी क्या ये चीज़ आप खुद कर सकते हो क्या आप इन सारे कोड को ख़ुद ब खुद डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स के अंदर डाल सकते हो ठीक है तो ये आपका एक होमवर्क है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट ऑथ सर्विस वाली चीज़ तो आपको क्या करना है जो हमने ये बनाया ठीक है यहाँ पर जो हमने ये बनाया फ्रंट होस्टिंग सर्विंग आपको इसको डिवाइड करना है डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स के अंदर जिस तरह से हमने अपने ऑथ सर्विस के अंदर किया था सो ये ट्राई दो ठीक है तो डॉक्यूमेंटेशन को इस बुक को पहले खुद पढ़ना इसमें जितनी भी एग्जाम्पल्स है कोड कर दो फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में खुद बांटने का ट्राई करो दैट यू हैव टू क्रिएट अ फ्रंट ऑफ द हाउस फाइल उसके अंदर फिर एक फोल्डर बनाना है फिर आपको एक होस्टिंग नाम की फाइल बनानी है तो आप ट्राई करो कि, कि आप खुद इस चीज़ को कर सकते हो टू अंडरस्टैंड दिस मॉड्यूल्स बेटर एंड वन थिंग आई अंडरस्टैंड कि जो मॉड्यूल्स वाला कॉन्सेप्ट है ना थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी लैंग्वेज से तो इसको पकड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है मुझे भी लगा था एंड इट्स ओके अगर आपको भी टाइम लग रहा है सो आई एम नॉट श्योर इफ इट इज़ विद एवरी वन बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कमेंट्स जिसमें हर एक को थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था टू अंडरस्टैंड दिस दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल बिकॉज ये एक न्यू पैटर्न है सो so, एक दो बार में ये समझ आ जाएगा जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे और अच्छी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी विद डैट वी हैव कर्ड द चाप्टर दैट किस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट को ग्रो कर सकते हैं मल्टीपल फाइल्स में एंड विद दैट लेट्स एंड दिस चाप्टर सो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जहाँ पर वॉट डू वी हाफ ऑर दी नेक्स्ट चाप्टर जहाँ पर हम कलेक्शंस की बात कर रहे होंगे लाइक स्ट्रिंग्स वेक्टर्स एंड ऑल दैट ऑफ सो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अन्टिल देन बाय एंड टेक केयर